हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। वीडियो में हमने ये देख तरीके से गेट वैल्यू और रिसेट को यूज करते हैं, मींस कि किस तरीके से हम किसी भी कंट्रोल के वैल्यू को अपने टीएस पेज पर गेट कर लेते हैं, या फिर किसी भी कंट्रोल के वैल्यू को कैसे हम रिसेट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल्स में प्रैक्टिकल करके देखा पिछले वीडियो में। और दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें ये देखेंगे कि किसी भी कंट्रोल के वैल्यू को कैसे हम सेट करते हैं, राइट। मींस कि हम किस तरीके से टीएस पेज से किसी वैल्यू को हम ले आकर कंट्रोल में सेट करते हैं, राइट। तो इस चीजों को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इसका कंसेप्ट देखेंगे कि सेट वैल्यू और पैच वैल्यू क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इन सारी चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, जो सेट वैल्यू और पेज वैल्यू जो है, दोनों का सेम वर्क है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। दोनों का वर्क यह है दोस्तों कि हमें टीएस पेज से किसी भी वैल्यू को किसी कंट्रोल में सेट करना होता है, तो दोनों मेथड यूज होते हैं, राइट। बट इसमें डिफरेंस यह है कि दोस्तों, अगर हम सेट वैल्यू यूज करते हैं तो हमें उस फॉर्म ग्रुप में जितने कंट्रोल है उस सबको सेट करना होता है। किसी को अगर ओमिट करते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, तो हमें एरर थ्रो करेगा हमारे एप्लीकेशन में। बट वहीं अगर हम पैच वैल्यू यूज करते हैं तो क्या होता है, किसी को छोड़ भी देते हैं, किसी को ओमिट कर देते हैं, तो एरर नहीं आएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट, अगर हमें ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमें जैसे ही एडिट का बटन हुआ या फिर किसी बटन क्लिक पर सारे कंट्रोल के वैल्यू को सेट करना हो, तो वहां पर हम सेट वैल्यू करेंगे। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें किसी किसी कंट्रोल को ओमिट कर देना है, छोड़ देना है, उसको सेट नहीं करना है, बाकी सारे कंट्रोल को सेट करना है, तो हम पैच वैल्यू का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिख रखा है कि इट इज नेसेसरी टू मेंशन ऑल फॉर्म कंट्रोल्स इन सेट वैल्यू, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर, राइट। एंड व्हेन वी यूज पैच वैल्यू, देन इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन ऑल फॉर्म कंट्रोल्स, राइट। तो दोस्तों, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से हम सेट वैल्यू यूज करते हैं, किस तरीके से हम टीएस पेज से किसी वैल्यू को ले आकर फॉर्म पर एचटीएमएल पर सेट करते हैं, राइट। और पैच वैल्यू का भी एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों, यह है हमारा प्रोजेक्ट, जैसा कि पिछले वीडियो हमने देखा था यहाँ पर कि रिसेट करके और डेटा को गेट करके देखा था हमने। इसको अगर हम सेव करके देखते हैं दोस्तों, तो आपको ब्राउजर में दिखेगा, ब्राउजर में आपको ये चीजें देखेगा। अभी एक्टिवेट हो रहा है हमारा सर्वर, ये चीजें कि अगर हम इसमें कुछ फिल करते हैं, राइट, और इसमें हम रिसेट करते हैं, तो ये चीजें कैसे इम्पिटी हो जाता है, और कुछ जो डेटा हमने शो कर रखा है, फिल कर रखा है, तो उसको ये फिल कर देता है, राइट। मींस कि हमने सबमिट और रिसेट का सारा फंक्शनलिटी हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। दोस्तों, आज हम ये करने वाले हैं कि हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे फिल करने का, और उस पर जैसे हम फिल पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, टीएस फाइल से जो डेटा होगा आकर यहाँ पर सेट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हम चलेंगे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं पहले, राइट। तो बटन के लिए हमें क्या करना, चलिए हम पहले क्या करते हैं कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम कुछ बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर हम लिख लेंगे फिल डेटा, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस फंक्शन का नेम चेंज कर लेंगे, हम लिखेंगे क्या, फिल डेटा, राइट। और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे, फिल डेटा को हम डिफाइन करेंगे, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि दिस डॉट साइन अप फॉर्म, जो साइन अप फॉर्म है, जो फॉर्म ग्रुप का जो नेम है दोस्तों, उसको हमने यहाँ पर लिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट वैल्यू, राइट। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम डेटा को असाइन करेंगे,
मीन्स कि दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैन्युअली डेटा असाइन कर दे रहे हैं, इसी को हम सेट कर लेंगे। इसको आप यूज कर सकते हैं, अगर आप आपके सर्विस या कहीं से डेटा आ रहा है तो उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी तो हम कोई सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि मैन्युअली डेटा असाइन कर देते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल का जो नेम है, जैसे कि एल नेम है, ईमेल आईडी है, यूजर पासवर्ड है, और ये एफ नेम होगा, एफ नेम है, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे यहाँ पर असाइन करेंगे, राइट। यहाँ पर मानो दोस्तों हमने क्या किया, एफ नेम, और इसमें हमने असाइन कर दिया क्या जो डेटा हमको असाइन करना, मान लो दोस्तों हमने एजित कर दिया, राइट। यहाँ पर फिर कॉमा लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एल नेम, और इसमें हमने असाइन कर दिया, असाइन कर देते हमने कुमार, राइट। फिर मान लो दोस्तों हमारा क्या है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी है, इसमें हम एक सेकेंड, इसमें डबल क्वोटेशन के अंदर करेंगे ईमेल, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि ताकि हमें नेमिंग कन्वेंशन में कोई इश्यू ना हो। यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें साइन कर देंगे abc@gmail.com, राइट। फिर कॉमा लिया हमने, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यूजर पासवर्ड को भी कॉपी कर लेते हैं, जो कंट्रोल नेम होता है दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लिख लिया हमने, ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। तो अब दोस्तों जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, इसको भी हमें सेव करना होगा, इसको जैसे सेव करेंगे दोस्तों, तो हम अगर अब उसमें फिल करेंगे, फिल के बटन पर क्लिक करेंगे, तो क्या करेगा कि हम ये डेटा हमारा फिल कर देगा, राइट। यहाँ पर हम जाएंगे फिल का बटन, एक मिनट, हमने इसको सेव नहीं किया है, इसको सेव कर लेते हैं, तो फिल का डेटा आ जाएगा हमारा, फिल का डेटा आ गया है। इस पर क्या करेंगे, जैसे ही फिल के पर डेटा पर क्लिक करेंगे, तो हमारा डेटा देख सकते हैं आप, यहाँ पर अजीत कुमार abc@gmail.com, ये सारा चीज फिल हो गया, राइट। मींस कि हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को कंट्रोल में सेट कर रहे हैं, राइट। और यहीं पर दोस्तों अगर हमने अगर यहाँ से ये किसी भी कंट्रोल को ओमिट कर दिया, अगर हम यहाँ पर हमने ईमेल आईडी को हटा दिया, राइट, और ईमेल आईडी को जैसे ही हटाया हमने, अगर इसको सेव करेंगे, तो अब हम फिल के बटन पर क्लिक करेंगे तो डेटा फिल नहीं होगा, एरर शो करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, यहाँ पर कंसोल में आया हमने, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल के अंदर एरर शो कर रहा है। क्या एरर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्ट सप्लाई ए वैल्यू फॉर फॉर्म कंट्रोल विद नेम ईमेल आईडी, मींस कि आप किसी भी कंट्रोल को ओमिट नहीं कर सकते अगर आपने सेट वैल्यू यूज कर रखा है मेथड, राइट। अगर हमें इस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है, किसी को ओमिट करना होता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर हम कर सकते हैं पैच वैल्यू, राइट। पैच वैल्यू अगर हमने इस मेथड को यूज किया, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल डेटा करेंगे, तो बस इसको ओमिट कर दिया, बाकी डेटा फिल कर दिया, आप कंसोल में देख रहे हैं यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, राइट। और ये तरीका है हमारा वैल्यू को सेट करने का, राइट। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेट वैल्यू और पैच वैल्यू कैसे यूज कर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।